आज हम बना रहे हैं हरी प्याज का कीमा पुलाव। सबसे पहले हमने हरी प्याज के पत्ते अलग किए हुए हैं काट के। नमक है हमारे पास, हरी प्याज के ऊपर के जो पार्ट्स होते हैं उनको हमने अलग रखा हुआ है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें काट के अलग से, और ये क्रश काली मिर्चें 2 टेबल स्पून, दही लिया हुआ है, और हमारे पास 1/2 kg कीमा है, और 1 किलो हमारे पास चावल है भिगे हुए। लेंगे हमने शामिल किए डेक्ची में। पहले हम तेल के अंदर हरी प्याज के ऊपर के पार्ट्स लिए थे वाइट, वो हम शामिल करेंगे और उसे हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज तकरीबन ही गोल्डन ब्राउन करनी है हमें। अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे, हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और उसे थोड़ी देर भूनेंगे। अब कीमे का पानी खुश्क हो जाएगा तब हम इसमें पानी ऐड करके छोड़ेंगे। हमारा भून चुका है, अब हम इसमें पानी ऐड करके खूब गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन हमने 2 ग्लास इसमें पानी डाल दिया। अब हम इसमें जब कीमा पकने लगेगा तो हम इसे ढककर हल्की आंच पे छोड़ देंगे कि कीमा अच्छी तरह गल जाए। कीमा गल चुका है, अब हम इसमें जो है इसके स्पाइसेस डालेंगे, हरी मिर्चें और काली मिर्चें जो हमने कूट के रखी हुई थी ये हम डालेंगे इसके साथ। नमक हसबे जाएगा, जितना आप लोग के टेस्ट के मुताबिक आप डालें। और अब हम इसमें दही भी शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह भूनेंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह भूनेंगे। ये अब मसाला भून चुका है इसका अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। ये हमने इसमें चावल डाल दिया, पानी भी ऐड कर दिया है। अब चावल थोड़ा पकने लगेंगे तो हम हरी प्याज के जो पत्ते हैं अलग से काटे हुए हैं अब वो शामिल करेंगे। ये अब हम इसमें लीमू ऐड करेंगे ताकि चावल हमारे अच्छे रहें। चावल अब हमारे पक रहे हैं, अब हम इसमें हरी प्याज के पत्ते शामिल करेंगे। अब हम इसमें पत्ते शामिल करेंगे हरी प्याज के, और फिर इसके बाद इसको दम पे रख देंगे। अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसे दम पे रख देंगे। A few moments later. ये हमारा फाइनल लुक। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक लिए।